फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यूवी और आपका सही में स्वागत है मेरे अपने चैनल में। दोस्तों, आज आप मीडिया में देखते होंगे कि आज जो बॉलीवुड का जो सच निकल के आ रहा है, सच में बहुत सारे लोग हैरान हो चुके हैं। क्यों ये मालूम होगा आपको? क्योंकि जो एक सच चाहे कितना भी छुपा लो, वो कहीं ना कहीं पे वो बाहर आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बॉलीवुड का काला सच देख रहे हैं, वो पहले भी था पर कहीं पे ना कहीं पे वो दबा हुआ था, जो आज लोगों को मालूम हो रहा है। तो किसकी बदौलत? जो लेट एक्टर हमारे सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनकी बदौलत। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि आज उनकी मौत होकर कम से कम 3 से 3.5 महीना हो चुका है दोस्तों, फिर भी उनको न्याय मिला नहीं। क्या सच में वो सुसाइड किए, मर्डर है इसके बदल? और उसकी जांच करते करते हमारे जो जांच एजेंसियां है, उनको ऐसा लीड मिला वो ड्रग्स के मामले में। अबे ड्रग्स, ठीक है ना, वो ड्रग्स जो है वो मैं आपको पहले भी बताया, वो कम से कम जो पहले भी चालू था बॉलीवुड में, जब डॉन दाऊद इब्राहिम उनको सप्लाई भी करता था। अब मैं सच में बताऊ ना, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो सच में उसको हैंडल कौन कर रहा है? वो दाऊद इब्राहिम ही कर रहा है। वो पहले भी कर रहा था, वो आज भी कर रहा है। अब ये बॉलीवुड वाले उनसे घबराते हैं, ये बात सच में सही है। और यही बात आपको मालूम होगी कि 1993 मतलब 1993 में भी जो एक्टर था संजय दत्त, उसके ऊपर भी केस चढ़ गई थी। किसके लिए? कि उन्होंने उनके क्या किया था, घर के अंदर AK-47 छुपाई थी। अब बताओ, इसलिए उनको क्या हुई थी? सजा हुई थी उस मामले में। क्योंकि अब मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, कि आज जो बॉलीवुड का सच में सामने आ रहे हैं, जो भी एक्ट्रेस, अब ड्रग्स की बात ले लो ना आप, वो ड्रग्स के अंदर अच्छे अच्छे एक्टर लोग क्या है, उनके नाम आ रहे हैं, सारा अली खान, राहुल प्रीत सिंह, ठीक है ना, वो एक एक्टर रिया चक्रवर्ती जो खुद को बड़ी सैनी समझती थी, क्या है उसमें यार, कौन सी अच्छी वो एक्टर लग रही थी, फंस गई ना, करियर भी चौपट, पर कहीं पे ना कहीं ये अच्छी इमेज कमाने में कम से कम बहुत साल लग जाते हैं और उसको गवाने में चंद सेकंड लग जाते हैं। सच में दोस्तों, मैं तो बॉलीवुड का उतना फैन है, मुझे तो वो बॉलीवुड पसंद ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो ऐसे कांड हो रहे हैं, जैसे ही 12 बजेंगे ना, मुंबई में काले धंधे होने चालू हो जाते हैं। अब ये हमारी सरकार किसको बचाने में लगी हुई है मालूम नहीं है दोस्तों। यही बॉलीवुड का काला सच है, क्योंकि आज जो बॉलीवुड में देखा जाए, वो पहले जैसी बात नहीं रही है। हाँ, जो अच्छे अच्छे एक्टर्स आज भी मौजूद हैं, पर जो अच्छे एक्टर्स हैं ना, उनकी छवि, उनकी इमेज कहीं पे ना कहीं पे इन लोगों की वजह से क्या हो रही है, खराब हो रही है। सच में आज अच्छे पिक्चर पहले जैसे नहीं बन रहे, जो क्या है आज, सच में बता रहा हूं मैं आपको। ओ सलमान, अबे एक नंबर का क्रिमिनल है साला, और संजय दत्त वो तो क्रिमिनल है। अब मालूम नहीं लोग उनके पिक्चर क्यों देखने जाते हैं, फैन है ऐसा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत काम करते करते क्या है, अपनी जो संस्था ओपन कर देते हैं और लोगों को दिखाते हैं मैं अच्छे काम कर रहा हूं, पर पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको भी नहीं मालूम। दोनों ही क्रिमिनल है, सलमान वो तो वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि है वो, क्या आपने को आपको भी मालूम होगा कि उसने एक इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी शराब के पीकर, और ऐसे केस चालू है, फिर भी वो हम लोग क्या करते, उनको सपोर्ट करते हैं। अरे बंद करो यार, बायकॉट कर दो बॉलीवुड को, क्या है वो बॉलीवुड में, यही धंधे चलते है उसमें। ये बॉलीवुड का काला सच जो है ना, वही है, अच्छी मूवी भी नहीं बनाते हैं। अब देखिए कोई भी मूवी आ जाएंगे ना, ये अब मैं बता रहा हूं ना आपको, ये सबसे बड़ी गलती है ना वो जनता की है। क्यों? क्योंकि उनके पिक्चर देखने जाते हैं,
क्या है यार, पहले पिक्चर देखने जा रहे हो आप, पहले ये तो पता कर लो यार स्टोरी में दम है या नहीं, ट्रेलर पता है करके ही समझ में जाता है। अब सलमान की बात करो, अभी मैं सलमान के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, अब तो वो तो क्या है उसके ऊपर, तो मतलब ये क्या है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूं, ये बॉलीवुड है ना, ये दो हिस्सों में बट गया है, उसका क्या है ग्रुप बन गया, ग्रुपिज्म हो गया। अरे यार आप अच्छे पिक्चर तो बनाओ कम से कम, वो पिक्चर की तो बात छोड़ो, वो सिर्फ काले धंधे चालू है उनके। अब जो भी कुछ ना कुछ अच्छी साउथ की मूवी आएंगी ना, सारे ये लोग पूरे उनकी ही रीमेक बनाएंगे, उनके ही क्या करेंगे पिक्चर बना के पैसे छापेंगे। अभी उनकी भी गलती है और ये हमारी पगली जनता की भी, ठीक है ना, जो क्या है लोगों पिक्चर का कंटेंट देखते नहीं है बराबर, कम से कम उनकी स्टोरी तो पढ़ लो यार नेट पे जाके, तो वहां पे तो सभी लोग सर्च कर सकते हो कि कौन सी मूवी है, किस प्रकार है, क्यों सपोर्ट करना है ऐसे मूवी को, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड भले ही ग्लैमरस होगा पर एंटरटेनमेंट के मामले में कम से कम वो, मैं यही कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा सच में लगता है दोस्तों कि आज बॉलीवुड का जो काला सच है, ये काले धंधे उनके, कई अपने काले धंधे छुपाने के लिए क्या कर रहे हो, फाउंडेशन क्या करते उसको, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रहे हैं उनको, फाउंडेशन का ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन क्या कर मजबूत कर रहे हैं, तो ये बात हो रही, मतलब अपने काले धंधे छुपाने के लिए क्या कर रहे हो, लोगों के आंखों के सामने वो क्या कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं। अब ये बात चल, यही चल रहा है दोस्तों मुंबई में, यही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब हमारी सरकार किसको बचाने में लगी हुई है हमको ही नहीं मालूम। तो ये बात है दोस्तों कि आज बॉलीवुड की अगर बात करते हो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि बॉलीवुड में कुछ नहीं है, पहले जैसा कुछ नहीं है, जो क्या है यार, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके बेटे काम कर रहे हैं वहां पे, साला उनकी पिक्चर देखता कौन है, ये लोगों का कैसे देखते हो पिक्चर वो मालूम नहीं मुझे, मैं तो नहीं देखता, मैं क्यों, मुझे पसंद ही नहीं है बॉलीवुड। फिर भी मैं यही कहूंगा कि वो बॉलीवुड का काला सच जो लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से अब आ रहा है ना, मैं सच में बता रहा हूँ लोगों से, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार बायकॉट करो यार इनको, ये बहुत हो गया इनका नाटक, क्योंकि अगर आपने इनकी पिक्चर बंद करने के कर दी ना, क्या बोलूं मैं, अगर आपने इनकी पिक्चर देखना भी बंद कर दिया ना, मैं मान लूंगा आपको कि जनता सबसे बड़ी पावर है दोस्तों, ये आपके ही ऊपर है कि बॉलीवुड का अगर सबक सिखाना है ना। हाँ मैं मानता हूँ अच्छी पिक्चर है, ठीक है ना, अच्छी पिक्चर है पर बहुत कम है, तो क्या कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रीमेक बना रहे हैं, क्या है यार आपके पास स्टोरीज नहीं है क्या, आपके पास राइटर्स नहीं है क्या, ये कब यार पिक्चर साउथ की पिक्चर उठा लेते हो, उसके राइट्स ले लेते हो, उसकी रीमेक बना देते हो, मतलब यही धंधा रह गया आपको पास, कुछ तो नया करो, कुछ तो यार इनोवेशन करो ना कुछ। मुझे नहीं लगता कि आज बॉलीवुड में उतना दम हो गया, सब खत्म है, सच में बता रहा हूँ दोस्तों, आज मुझे सच में ऑनेस्टली लग रहा है कि पहले जैसी मूवियां बनती थी ना, अब नहीं है, वो सब डिपेंडेबल लोग वर्क कर रहे हैं, आ रहा है ना साउथ से, इधर इधर से माल उठाने का, इधर सप्लाई करने का, यही बात है। सारा ड्रग्स पैडलर के भी नाम सामने आ रहे हैं, सभी एक्टर अच्छे से एक्ट्रेस, दीपिका पदुन का भी नाम आ रहा है अभी, अभी बात सच है या झूठ है वो तो अभी जांच पड़ताल के माध्यम से ही मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम ये अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि आज जैसे अच्छे अच्छे मुद्दे हैं भारत में, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको आप लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मुद्दों को सपोर्ट कीजिए जहां पे लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हो, ठीक है ना, अच्छी इमेज मिलती हो, वही लोगों को सामने अपने को लेके जाना है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, मैं यही पे रुकना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अब इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। आपके लिए मैं ऐसे और वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।